नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अपने पिछले टॉपिक को न्यूमेरिकल सेक्शन में आप सभी को समझाने के लिए। गाइस, आज हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। गाइस, पिछली वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि किस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन की जाती है। वो वीडियो आपके लिए था एक कॉन्सेप्शनलाइज वीडियो, जिस वीडियो को देख करके आप ये सीख पाएंगे कि जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और वहाँ पर जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होंगी और कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होंगी। ओवरऑल वीडियो थी थियोरटिकल, लेकिन अब टाइम है उस चीज़ को न्यूमेरिकल सेक्शन में आप सभी को समझाने की। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन को देख करके आपको समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप हम पढ़ेंगे आपके साथ और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बोर्ड पर आप आराम से क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, और आगे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें जो है आपको क्या दी गई है, इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है, फिर आगे दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया गया है, 12% डिबेंचर दिए गए हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है आइए देखते हैं। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ करेंट ईयर वाज पेड एट द रेट 15%, वर्ष के अंत में 15% इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया है। आप सभी जानती हैं इंटरिम डिविडेंड जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है और ये कैश आउटफ्लो में जाएगा, यानी कि नेगेटिव जो है इसकी अमाउंट दिखाई देगी। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पेड किया गया, ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। ठीक, आगे चले हम तो प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5% ऑन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के लास्ट डेट पर 5% प्रीमियम के हिसाब से प्रीफेंस शेयर्स को रिडीम किया गया है, उनका पेमेंट किया गया है। ठीक, इसके बाद है फ्रेश शेयर्स एंड डिवेंचर वर इश्यूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। लास्ट डेट, करंट ईयर की लास्ट डेट पर फ्रेश शेयर्स को जो है क्या किया गया है, इश्यूड किया गया है। और आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करनी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए आपको बहुत ही गहराई के साथ चीज़ों को समझाते हैं। तो पहले तो आप देख पा रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल की आपको दोनों ईयर में जो है अमाउंट देखनी है, फिगर देखना है क्या है। तो अगर हम करंट ईयर की बात करें तो यहाँ पर 9 लाख दिखा रहा है और जो आपके प्रीवियस ईयर तो वहाँ पर कितना दिखा रहा है, 7 लाख दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई है। और जब इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, जब ही तो इंक्रीज होगी। और जब पैसा बढ़ रहा है आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में आ रहा है तो इट मीन्स यू आर कैश इनफ्लोइंग, आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है। तो ये आपको कैश इनफ्लो दिखाना है, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तो यहाँ पर करंट ईयर में तो आपका 3 लाख है, जबकि प्रीवियस ईयर में कितना था, 5 लाख। तो 5 लाख थी, अब 3 लाख रह गई, यानी कि 2 लाख रुपये की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने रिडीम कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया आपने। ठीक, ये आपके लिए कैश आउटफ्लो होगा, पैसा बाहर जा रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में देखें तो 1,40,000 है, पिछले साल प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, यानी कि 40,000 रुपीज़ हमारे बढ़े हैं रिजर्व में। और डिवेंचर की बात करें तो 12% डिवेंचर आपके करंट ईयर में 4 लाख के दिखा रहा है और प्रीवियस ईयर में 3 लाख के दिखा रहा है, इट मीन्स आपका डिवेंचर भी इशूड हुआ है। ठीक है, 1 लाख का। तो ओवरऑल आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करनी है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हम परफॉर्मा बना लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और यहां पर आपके लिए पर्टिकुलर्स और दूसरी एक कॉलम बनेगा छोटा सा अमाउंट का। तो सबसे पहले तो आपको वो ट्रांजेक्शन लिखने हैं जहां पर आपको कैश इनफ्लो हो रहा है। तो कैश इनफ्लो हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है, तो प्रोसीड
इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आपके इशू किए गए हैं। और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है क्या कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना है आपका 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और ये आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं और आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, 9 लाख माइनस 7 लाख, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीजिंग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये किस कारण से हुआ होगा, जो आपने इक्विटी शेयर इशूड किए हैं इसमें जो आपका 40,000 रुपये ज़्यादा दिखा रहे हैं, ये यही कारण है कि आपने प्रीमियम पर किया होगा इनको इशू, और जिससे आपको 40,000 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं। फिर भी हम आपको अलग से दिखा रहे हैं। आगे है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल जो है आपकी 12% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर रिडीम या रिडम्पशन जो भी आप लिखना चाहें, रिडीम कर दीजिए चलिए। ठीक है, तो आपको हाँ देखिए 2 लाख रुपए तो आपके हो गए किस चीज के, ऐसे मैं पूरा दिखाता हूँ, 5 लाख के थे और 3 लाख रुपए के रह गए, तो आपने कितने रुपए का रिडम्पशन कर दिया, 2 लाख का। और इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कहा गया है, प्रिफरेंस शेयर वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम पर इसको रिडीम किया गया है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप अलग से निकाल सकते हैं, 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 रुपया जो आप इसमें ऐड कर दीजिए, और ये पैसा कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि ये माइनस फिगर लिखी जाएगी यहाँ पे ब्रैकेट में बंद करके लिखी। ओके, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अगला क्या है, अगली अमाउंट है आपकी डिवेंचर, तो आपको क्या है 12% डिवेंचर है जैसे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 लाख के थे और 4 लाख के हो गए, तो ये यहाँ पे लिखेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 3 लाख के थे 4 लाख के हो गए, यानी कि 1 लाख रुपया हमारा इनफ्लो हो गया, 1 लाख रुपये पर ज़्यादा हो गया, बढ़ गए, 12% हैं तो 12% आप इनका इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट निकलेगा आपका 3 लाख रुपए का निकलेगा, क्योंकि लास्ट डेट ये जो लिखा है ना लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लाइन है ये, फ्रेश शेयर्स एंड डिवेंचर वर इश्यूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की लास्ट डेट पर है, तो यानी कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो प्रीवियस ईयर का ही दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट डेट पर जो है 5 लाख या 2 लाख रुपए के इन्होंने क्या लिखा, 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, तो इस पर आपको नहीं देना है जो है इंटरेस्ट, वो अगले बार देंगे आप। ठीक, और आगे आगे क्या है, आगे है आपका डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड, तो इंटरिम डिविडेंड पर आ जाते हैं, इंटरिम डिविडेंड कितना है, इंटरिम डिविडेंड पेड जो किया है आपने, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 15% बोल रहे हैं, कितना परसेंट है, 15% इंटरिम डिविडेंड, प्रीवियस ईयर पर ही निकलता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड में निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखिए
इनकम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर वाज, तो 7 लाख का आपको 15% निकालना है, ये आ गया 1,05,000। ये आपका लेस होगा, यानी कि ये आपकी नेगेटिव फिगर होगी क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पर। आप बहुत आराम से समझिए क्वेश्चन। एक लास्ट रह गया है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो ये कितना रुपया है डिविडेंड पेड जो हो रहा है प्रेफरेंस शेयर पर, जो डिविडेंड पेड किया जा रहा है वो कितना है, 12% है। और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है हमेशा आपको करंट ईयर के जो अमाउंट है उस पर दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना परसेंट है, 12%, 5 लाख का 12%, 60,000 रुपये ये हो गए। ये भी माइनस की फिगर होगी, ओवरऑल माइनस की फिगर अलग करनी है और प्लस की फिगर अलग करनी है, ठीक है। 2,40,000, 3,40,000, 3,76,000, यानी कि 3,76,000 तो पॉजिटिव फिगर हो गई। और नेगेटिव फिगर की बात करें तो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 3,10,000, 3,15,000 और 3,75,000। 3,75,000 आपकी क्या हो गई, नेगेटिव फिगर हो गई। एक बार देख लेते हैं आराम से, 2,10,000, 1,05,000 और आपका 60,000। ये 36,000 जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ये भी नेगेटिव फिगर है, ओके, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड किया है आपने 36,000 रुपया, ये भी आपका कैश आउटफ्लो ही होगा। तो ये आउटफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो आउटफ्लो वाले अलग कर लेंगे, ये इनफ्लो हो गया, ये इनफ्लो हो गया, ये इनफ्लो हो गया। तो कितना टोटल मिला करके आपका कैश इनफ्लो हुआ, 3,40,000 तो कैश इनफ्लो हो रहा है, जबकि कैश आउटफ्लो कितना है, 2,10,000, 3,15,000, 3,75,000, 3,81,000 और 4,11,000, ये हो गया आउटफ्लो। ये इनफ्लो, ये आ गया आपका कैश आउटफ्लो, यानी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पैसा बाहर नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि यहाँ हो गया कैश यूज्ड इन, आपने कैश यूज किया है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, जनरेट नहीं कर पाए आप कैश, आपका कैश बाहर गया है। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन जो बहुत ही प्यार से हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझकर आराम से चीज़ें समझ में आई हो और ऐसा फील हुआ हो कि ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, तब इस क्वेश्चन को और साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने का हमारा जो पर्पस था वो साकार हो जाएगा। और गाइस हम आपसे केवल इतना कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।